दरअसल आगरा प्रोफेशनल टीचर एसोसिएशन आपटा में डॉक्टर सुनील उपाध्याय संस्थापक और संयुक्त दो वर्षीय मंडल स्तरीय चुनाव हुए हैं, जिसमें आगरा मंडल के अलग अलग सिस्टर संस्थाओं से आए हुए डायरेक्टर और शिक्षक आज यहाँ उपस्थित रहे। इसमें दो वर्षीय चुनाव के बाद डॉक्टर मोहित जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है 2 साल के लिए, और साथ में 4 उपाध्यक्ष, 4 सचिव और 1 जनरल सेक्रेटरी के लिए चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में एक नाम आया था, प्रस्तावित था, जिस पर सब ने एकमत सहमति से अपनी बात कही और डॉक्टर मोहित जी को इसका अध्यक्ष बनाया। शिक्षकों के हित के लिए और उनके जीवन में आ रही समस्याओं को समाधान के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हम इन्वॉल्व रहते हैं, हम चाहते हैं, और हम लोग गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते उनका एडमिशन कराते हैं, या यूँ मानिएगा जो फीस देने में असमर्थ हैं उनका इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं, और साथ ये भी रखते हैं जो आगरा के आस पड़ोस रह रहे गरीब या स्लम्स एरिया हैं उनमें बच्चे पढ़ नहीं रहे किन्हीं कारणवश, हम उनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। स्कूलों के डायरेक्टर से निवेदन करते हैं कि वो कम फीस पर, और वो फीस भी हम अपनी संस्था की तरफ से। मैं डॉक्टर मोहित दीक्षित, संगठन ने दोबारा से मुझे जिम्मेदारी दी है अध्यक्ष पद की। संस्था को बने हुए 10 साल हो गए और 10 साल में संस्था के द्वारा जो है शिक्षकों के हित के लिए तो काम किया ही गया है, शिक्षकों के हित के अलावा सामाजिक रूप से हम लोगों के सरोकार जुड़े हुए हैं। पूरे कोविड टाइम में हम लोगों ने ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप या माता पिता में से कोई इस कोरोना टाइम में नहीं रहे उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हम लोगों ने करी। साथ ही साथ संस्था द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क किताबें, कॉपियां और इनका वितरण, और अभी एक संस्था मुहिम चला रही है कि हर सैटरडे को इस जाड़े के मौसम में गरीब जो लोग सड़कों के किनारे रह रहे हैं, बेसहारा हैं, उनको खाने के पैकेट हम लोग हर साल की भांति इस साल भी उसको एक जारी रखेंगे, और शिक्षकों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं